Hello, students. Welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine, isn't it? So, uh, <clears throat> as I knew you, as I told you that uh, um, now we are having uh, we will be starting a new chapter. So here I am with the new chapter. We have already completed the fifth chapter in geography. Water, lot of things we knew about water. लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन टू नो अबाउट वॉटर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉटर सारी चीजें हमने कर ली नाउ वॉट वी आर डूंग इज वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री चैप्टर सिक्स टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन कॉट एट सो एज यू ऑल नो वॉट एवर वी हैव डन नाउ अभी फिफ्थ चैप्टर वॉट डिट वी डू फिफ्थ चैप्टर में

So, we should know about the history of these uh, buildings. We so, uh, the, studied the buildings, the, the previous chapter that we have done, we studied about all these great buildings. And in India, we have a trend that we have lot of uh, temples, we have lot of uh, mosques. Mm -hmm.

क्शन वर्क बीन डन इन इंडिया सारी चीजें हमने कर ली ओके बिल्डिंग्स भी बन गई महाराजा धीराज और जितने भी बड़े बड़े रूलर्स थे वो क्या करते थे उसके बारे में भी हमने बातें कर ली लेकिन वाई टॉकिंग अबाउट ऑल दीज ठीक है हमने राजा के बारे में बात की वी टॉक्ट अबाउट बिग बिल्डिंग्स वी टॉक्ट अबाउट

लेकिन अभी एक लोगों के बाद कुछ लोगों के बारे में तो हमने बात ही नहीं की ठीक है रूलर्स आर देयर बिल्डिंग्स आर देयर बिजनेस इज हैपनिंग लेकिन कौन कर रहा है ये सब आर द रूलर्स डूइंग दिस वर्क ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या राजा राजा ये काम कर रहे हैं नो बिग फोर्ट्स वेयर बिल्ड हु हैज बिल्ड Now we will be knowing about them. Itna bada bada kaam ho raha tha. Such great work is happening. But who is doing this great work? Are you understanding? Please understand. The great work that is happening, who are the people who are doing this great work? In this chapter, we will be talking about these people who were managing all these activities. टेम्पल्स भी बना रहे थे बिल्डिंग्स भी बना रहे थे ट्रेडिंग भी कर रहे थे दे यूज टू मेक ब्यूटिफुल क्लोथ्स ऑर्नामेंट्स राजा महाराजा कितने बड़े बड़े कैसे कपड़े पहनते थे ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड देर जूलरी एंड एवरीथिंग हुआ दीपुलर मेकिंग इट आई यू अंडरस्टैंडिंग प्लीज अंडरस्टैंड कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले उसका बैकग्राउंड समझा करो वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड

एक गांव में कोई ट्रेडर रह रहा है इन सम विलेज ट्रेडर इज स्टेइंग इन सम एरिया सम पीपल आर देयर डूइंग सम वर्क छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं वो क्या काम कर रहे थे वो छोटा मोटा काम क्या था आई यू अंडरस्टैंडिंग सो द पीपल वेर नॉट द रूलर्स वेर लिविंग इन द सिटी शहर भी थे उस समय ना उस समय भी शहर थे गांव थे so the people who were living in the cities, who were living in the villages, what work they were doing. What were they, doing they will not die without food. so let us understand the work that was being done by the people who were staying in the villages, who were staying in the areas, which was. मैंट फॉर कॉमन पीपल सो दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल द टाउन्स शहर जो थे पहले तो उन शहरों के बारे में बातें करेंगे किस तरह के शहर होते थे लाइक टूडे वी हैव बिग बिजनेस सिटीज बिग वी कॉल कॉल इट एज मल्टी सिटी वी कॉल इट एज बिग सिटीज डेली मुंबई कोलकाता बिग सिटीज ठीक है सिटीज तो हैव गॉट पॉपुलेशन एज बिग एज फिफ्टी लाख एक सिटी में एक ही जगह पे इतने सारे लोग कैसे रहते हैं उस समय के टाउन्स में लिविंग लिविंग इन विलेजेस गांव में जो लोग रह रहे थे कौन थे ये लोग क्या काम करते थे ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज ट्रेडिशन लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्क ओके तो टाउन्स वेयर देयर ट्रेडर्स वेयर देयर ट्रेडर्स वेर देअर बिजनेस हो रहा था ठीक है टूडेज टाइम ऑल्सो बिग बिजनेस पीपल आर देर देर आर अंबानी बिल्डर्स उस समय उस समय मीन्स चार सौ पांच सौ साल पहले की बात कर रही है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड इस बैक उस समय टाटा कौन होते थे उस समय अंबानीज कौन होते थे टाटाजेर द अंबानी गॉट एट दिस इज देअर ट्रेडर्स एंड देन द क्राफ्ट पीपल क्राफ्ट पीपल घर होते थे तो घरों में कुर्सियां भी थी टेबल भी होते थे गत्ते भी बनते थे पर्दे भी लगाए जाते थे ओके क्राफ्ट पीपल डेकोरेशन का सामान सम पीपल वेर देर हुए मेकिंग मटीरियल्स विच वेर डेकोरेटिंग द हाउस द पीपल हुर मेकिंग अभी अगेन ऑल से द कंघी भी बनती थी बालों को सजाने के लिए भी कुछ बन रहा है क्राफ्ट पीपल जो हाथ का बहुत अच्छा काम होता है क्राफ्ट ठीक है यू डू द क्राफ्ट वर्क ना नहीं पेपर को कटिंग करके कुछ कुछ नया नया डिजाइन बना देते हैं दैट इज क्राफ्ट वर्क यू ऑल नो इट इट वेरी वेल तो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर द टाउस द ट्रेडर्स एंड द क्राफ्ट पर्सन कॉड इट अब सपोज आई एम अ ट्रैवलर ट्रेवलर मीन्स मैं किसी शहर में घूमने गई हूँ आई है सिटी अभी नहीं पांच सौ साल पहले का टाउन ले लो या फिर अभी का, चलो अभी का टाउन ले लेते हैं कि सपोज आई एम अ ट्रेवलर एंड नहीं पांच सौ साल पहले की बात करते हैं कि आई एम इन फिफ्टीन सेंचुरी अभी क्या चल रहा है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ना सो सपोज आई एम ट्रेवलर एंड आई गो टू अटी सिटी अभी का सिटी ने अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड की वो टाउन कैसा है मैं जिस टाउन में गई हूं वहां में क्या करने गई हूं मथुरा इज नोन वॉट मथुरा इज अ टेम्पल टाउन ऑब्वियसली तो मैं वहां पे गई हूं तो मैं कल कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए गई हूँ मथुरा ओके वृंदावन मथुरा देअर एवरीबडी यू नो इट इज ऑल दीपुल बिजनेस दैट इज देयर इट इज ऑल बेस्ड ऑन टेम्पल एक्टिविटी जो काम टेम्पल में होता है उसी से रिलेटेड भगवान जी के कपड़े हैं मुकुट है और पता नहीं क्या क्या ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू रिलीजियस वर्क सच टाउन इस तरह के टाउन को क्या कहते थे टेम्पल टाउन वॉट इट सच टाउन्स वे कॉल्ड एज टेम्पल टाउन मंदिर पे द होल टाउन एंड इट्स एक्टिविटी

महाराजा वहां बैठ रहे हैं उनके मंत्री सब है ऑल दीज पीपल हु आर वर्किंग विद द किंग उनके घर होते थे बिग हाउस वेयर देयर अभी भी वेन यू गो टू डेली डेली में यू हैव दी एम्स हाउस यू हैव द प्रेसिडेंट्स हाउस ऑल दीज आर देयर गॉट इट तो इट दीज काइंड ऑफ टाउन्स फ्रॉम वेयर द कंप्लीट एक्टिविटी ऑफ द कंट्री इज मैनेज पूरे देश में क्या हो रहा है इसका कंट्रोलिंग सेंटर अगर हम माने तो डेली इज द कंट्रोलिंग सेंटर फ्रॉम देयर ऑल द ऑर्डर आर कमिंग पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन डेली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दैट आर इशूड फ्रॉम देयर आई यू गेटेट माई पॉइंट टू वेन दीज काइंड ऑफ टाउन्स आर देयर इट इज कॉल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टेम्पल टाउन हो गया जहां हम खा, मैं खाली दर्शन करने गई हूं लेकिन अगर मैं दिल्ली गई हूं तो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर द होल वर्क ऑफ द कंट्री इज मैनेज फ्रॉम देयर तो इट इज कॉल्ड एज एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर गॉट इट? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओके इसके बाद आई गो टू मुंबई हाँ आम हाँ मुंबई अगर मैं गई मुंबई इज अ सिटी विच इज फेमस फॉर बिजनेस सो मच ऑफ बिजनेस इज हैपनिंग देयर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड द ट्रेड थ्रू द सी द ट्रेड थ्रू द एयर मतलब एयरवेज वाटरवेज सारी चीजें ऑल दीज वेरी गुड ओके तो सच टाउन्स वेर कॉल्ड एज कमर्शियल टाउन्स क्या कहते थे कमर्शियल टाउन्स ऑल द कॉमर्स एक्टिविटीज आर हैपनिंग ना ऑल द मनी रिलेटेड वर्क इज हैपनिंग हियर सो इट इज अ कमर्शियल टाउन देन आई गो टू इट इज ऑल्सो कमर्शियल टाउन इट इज ऑल्सो पोर्ट टाउन ठीक है पोर्ट टाउन में पहले क्या था पोर्ट टाउन के लिए वन प्लेस दैट वाज वेरी फेमस वाज सूरत सूरत है गुजरात में यस yes, गुजरात में देर इज सूरत तो इट इज कंसिडर टू कंसिडर टू बी नहीं इट इज अ पोर्ट टाउन मतलब समुद्र से लगा हुआ जो टाउन है बिल्कुल सी साइड में तो सच टाउन वॉज कॉल्ड एज अ पोर्ट टाउन एंड इसी तरह के बहुत सारे देर वेर मेनी सच टाउन इस तरह के खूब सारे टाउन्स होते थे तो इट इज कॉल्ड एज अ पोर्ट टाउन One that is adjoining the sea, Samudra se So uh, all these cities that were there, lot of functions were happening in these cities. A bade bade cities the, ye jitne bade shahar the, Kaafi activities ho thi. Lot of work was managed here. Got it? And uh, there were administrative centers, temple towns, and uh, commercial activity was happening. Commercial activity means. बिजनेस वॉज हैपनिंग पहले क्या था कि देर वॉज नो एयरवेज पहले एयरवेज तो नहीं था ना वेन वी एट द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट उस समय खाली वॉटरवेज होता था सो ऑल द ट्रेड दैट वॉज हैपनिंग इंडिया से अगर कोई सामान जो है इट हैजू बी टेकन टू यूरोप तो देर वॉज नो एयरवेज तो वॉटरवेज तो पानी के जहाज पे सारा सामान लोड करके एंड इट वुड बी गोइंग टू ब्रिटेन गॉट इट तो यू अंडरस्टैंड नाउ यू गैट इट कमर्शियल एक्टिविटीज business activities was happening in these towns got it that was one of the major features and in india there were a lot of commercial uh, towns that were very famous okay and uh, commercial towns may which towns were there how these towns were famous वॉट ऑल एक्टिविटीज वे आर हैपनिंग इन दिस टाउन्स नॉर्थ में क्या काम हो रहा था साउथ में क्या काम हो रहा था डिफरेंट प्लेसेज वेर देयर विच वे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज सम प्लेसेज वेयर टेम्पल टाउन सम प्लेसेज वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सम प्लेसेज वे आर कमर्शियल टाउन्स पोर्ट टाउन्स इस तरह से शहरों का नाम शहरों के काम के हिसाब से डिवाइडेड था नाव वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू शो यू द मैप ऑफ इंडिया यस आप इंडिया का मैप देखेंगे मतलब आज से पांच सौ साल पहले फाइव हंड्रेड ईयर बैक पहले तो आपको यू विल बी अंडरस्टैंडिंग विच प्लेसेज वेर फेमस फाइव हंड्रेड इस बैक मतलब इंडिया अभी तो इंडिया इंडिया है ही लेकिन पांच सौ साल पहले Which all cities were important. And what all functions were carried on in these cities. Got it? So, this we cities. I will show you all the cities. The cities that were there in Gujarat. The cities that were there in, uh, in um, um, uh, Bengal. In South.

I will be telling you that in that map, in those cities that we will be marking on the map, what all commercial activities were happening. Did you get my point? So chalo, let's see the map then. Ticket, let's see the map and let us understand what economic activity was happening at what place. Got it, children. Chalo, let's see it. सो स्टूडेंट्स अभी अभी हमारी बात हुई जस्ट नाई नाउ वी हैड अ टॉक वी हैव स्टार्टिड दिस न्यू चैप्टर चैप्टर सिक्स हिस्ट्री वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आई आर श्योर यू यू विल फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग जैसे बाकी के चैप्टर्स आपने इन्जॉय किए हैं इन द सेम वे यू विल भी इंजॉइंग दिस चैप्टर ऑल्सो ओके ट्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन आई हैिवन यू एंड इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर प्लीज अंडरस्टैंड that uh, um, the chapter that we are proceeding with has got lot of informations हमको बहुत सारे टाउन्स के बारे में पता चलेगा but uh, what we needed to discuss right now अभी जो हम लोगों को discuss करना था उसमें we are talking about the map book map किस चीज का map है पहले ये समझो this map is showing us This map is telling us about some important centers of trade and artisanal production. Okay. Trade centers, artisanal production uh, in central and south India. Central India or South India kai hai? Abhi we have not touched the North India and East India. ठीक है नॉर्थ और साउथ इंडिया साउथ इंडिया तो है ही नॉर्थ इंडिया और ईस्ट और वेस्ट इंडिया तो अभी हमने बताया ही नहीं है वी आर टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स दैट एग्जिस्टेड इन द साउथ इंडिया यू नो पहले के जमाने में आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडेवल एरा ड्यूरिंग दैट टाइम द बेस्ट थिंग दैट इज देयर उस समय जो सबसे अच्छी चीज थी कि साउथ में द इन साउथ देयर वॉज लॉट ऑफ ट्रेड हैपनिंग एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर ये ट्रेड साउथ में ही क्यों हो रहा था यू विल आस्क क क्वेश्चन वाई ओनली साउथ वाई नॉट नॉर्थ और सम अदर स्टेट साउथ में ही हो रहा था इट वॉज नॉट हैपनिंग इन द Uh, no. it was happening in other places also like in south may it was happening because all the three sides south is uh, covered with sea. and trading, whatever trading used to happen, it, it used to happen through sea. sari trading, hoti, got it? so uh, important centers of trade was there and artisanal production in central and south india was happening. so these things that were, that was happening. इट वॉज़ हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बहुत ही बड़े लेवल पर यह काम हो रहा था जिसकी वजह से कि इंडिया वॉज नोन एज आपको पता होगा सोने की चिड़िया लॉट ऑफ मनी वॉज कमिंग इन इंडिया <coughs> इतने सारे लोग थे सारे लोग ट्रेन में इन्वॉल्व थे मटीरियल सामान बाहर जाता था अंदर आता था अंदर आता था मीन्स इट वॉज गोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड कमिंग टू इंडिया तो दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट वॉज हैपनिंग इट हैज़ मेड इंडिया वेरी रिच इंडियन ट्रेडर्स इंडियन बिजनेस पीपल वे क्वाइट रिच पीपल काफी अमीर होते थे कैसे इतने अमीर हुए क्या करते थे लेट एस अंडरस्टैंड दिस तो सेंटर्स ऑफ ट्रेड आर्टिशनल प्रोडक्शन सेंट्रल और साउथ इंडिया में इट वॉज डेफिनेटली हैपनिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बहुत ही बड़े लेवल पे ये काम हो रहा था ओके okay? एंड देखो अब शुरू करते हैं यहाँ से वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्योंकि देखो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया तो सेंट्रल इंडिया में देखो ये है इंडिया ओके इंडिया में दिस इज द नॉर्दर्न रीजन ये इसके बारे में तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे जो नॉर्थ में है ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल इंडिया सेंट्रल इंडिया पहले जिस जगह की बात कर रहे हैं चिल्ड्रेन इट वॉज वृंदावन वृंदावन यू नो ओल्डन टाइम्स में वृंदावन वॉज वेरी फेमस लॉट ऑफ ट्रेड वॉज हैपनिंग फ्रॉम वृंदावन था एंड टेम्पल टाउन के वजह से इट वॉज वन ऑफ द वेरी हैपनिंग प्लेसेस और बिल्कुल यहाँ पे दिस इज यू एंड दिस इज द बॉर्डर ऑफ राजस्थान राजस्थान के बॉर्डर पे वी हैव पुष्कर Pushkar is the only place where it is said in uh, Hindu tradition mein, there is one Lord Brahma. Matlab, he, we don't find his temple everywhere, but it is only at Pushkar that we have the temple of Brahma. Okay, Lord Brahma. So uh, that's why this place is very important. Vrindavan, Pushkar, and then Ajmer. अजमेर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स बिकॉज हियर वी हैव द दरगाह दरगाह मीन्स वेयर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट सबसे बड़े द ब्रिकेस्ट सेंट ऑफ द मुस्लिम्स उनके जो पीर बाबा होते थे हियर इन अजमेर हिज नेम वॉज मुइनुद्दीन चिश्ती क्या नाम था मुइनुद्दीन चिश्ती बॉडी इज बेरिड हेयर एंड पीपल से कि वहाँ पर जाके जो भी दर्शन कर लेता है जो भी मांग लेता है वॉट एवर पीपल विश इज़ फुलफिल्ड तो ये क्या था ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वृंदावन पुष्कर एंड अजमेर देवेर ट्रेड सेंटर्स ऑल्सो बट मेजरली दीज वे आर लाइक टेम्पल टाउन्स और दीज वे आर लाइक रिलीजियस टाउन्स हाँ लॉट ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज वे आर हैपनिंग हेयर ओके देन वेन वी कम टू ईस्ट में ईस्ट में नहीं मतलब हियर वी हैव कोलकाता कोलकाता से ऊपर वी हैव द मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद इज नाउ मतलब इट इज़ देयर लेकिन कोलकाता में लॉट ऑफ ट्रेड वॉज हैपनिंग क्योंकि देखो यहाँ पे सी है ऑल द सी दैट इज़ देअर इट हैज़ प्रोवाइडेड रूट मतलब रास्ता मिलता था ट्रेडर्स को यहाँ से आने जाने के लिए तो सी ट्रेड वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग वेज सबसे अच्छा तरीका पैसा कमाने का एंड द ट्रेडर्स हैव मेड लॉर्ड ऑफ मनी पैसा कमा लिया था ट्रेडर्स ने ये काम कर इट तो मुर्शिदाबाद इज देयर कोलकाता इज देयर अब इधर आ जाओ नाउ वेन यू कम टू दिस साइड हियर इज अहमदाबाद Ahmedabad is still very famous for the cotton textile mills. Cotton ka bahut sara kaam uh, uh, used to happen lot of work used to happen from Ahmedabad. So Ahmedabad was a very important trading center. Still it is there in I told you na purane zamane ka jo hum trading centers ki baat karte hai, when we talk about the trading centers of the medieval times one very prominent place that we mention is Surat. ओके सूरत में ऑल दिस वर्क दैट वाज हैपनिंग ये यहाँ से फ्रॉम हियर ट्रेड यूज टू हैपन जो कि इट यूज टू गो फ्रॉम इंडिया टू मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज ईरान इराक अरेबिया यूरोपियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज एवरीवेयर द मटीरियल वॉज बींग एक्सपोर्टेड फ्रॉम सूरत तो सूरत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू अनादर इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू यस मुंबई यू नो इट वेरी वेल ठीक है बिकॉज आई टोल्ड यू ऑल द पोर्ट सिटीज समुद्र के किनारे या समुद्र से लगी हुई जितनी भी जगह है All those places were important from the trade point of view. Got it? Then one place which is mentioned here. Kabhi mokka mile jana. Arabian Sea ke thik I mean you can see all the sea. Pura samudra nazar aata hai. One of the most beautiful places that is there in Gujarat. Somnath. And aisa lagta Somnath uh, bilkul it is very near to Dwarka. गुजरात में तो मोस्ट ऑफ द सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ये देख रहे हो दिस इज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन दैट इज सर्कम फेयरिंग गुजरात गुजरात पूरा समुद्र से घिरा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड मतलब कि समुद्र के थ्रू ये सारा द ट्रेड दैट वॉज हैपनिंग इट वॉज हैपनिंग थ्रू दीज प्लेसेज सोमनाथ में शंकर भगवान का बहुत बड़ा टेम्पल है आई हैव बीन देयर वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेज आई हैव एवर विजिटेड मतलब एक दम इट सीम्स एज इफ कि फ्राम द सी इट हैज कम आउट दिस टेम्पल हैज कम आउट एकदम समुद्र के ठीक ऊपर एंड सी साइड ब्यूटिफुल व्यूज आर देयर इवन आई मीन वेन एवर यू गेट अ चांस कभी अगर मौका मिले द पीपल कैन गो देयर अजमेर इज ऑल्सो वेरी नाइस वैन एवर यू गेट अ चांस यू कैन विजिट अजमेर लॉ इट्स वेरी क्राउडी सो मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलीव इट चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम टू विजिट अजमेर ओके दैट मेक्स अजमेर वेरी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट सूरत हो गया ठीक है देखो ये ऑल दीज प्लेसिस दैट आर एनसर्कल्ड यहाँ पे ये देखो सर्कल किया हुआ है सूरत Okay, then you have Masulipatnam, Patnam, then you have Hampi. Okay, all these places that are centered were the centers of trade. All the major trading activities used to happen at these places, and artisanal production, new things that were produced, the artistic production. Production means uh, the output that was there, the people who were working. इट हैपन्ड यूज टू हैपन इन द सेंट्रल एंड द ना प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दीज प्लेसेज मैंने आपको मुंबई दिखा दिया यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन क्योंकि एग्जामिनेशन में मैप वर्क विल ऑल्सो कम ओके इन योर हाफ इयर लीव सो यू नीड टू डू दीज मैप्स ये मैप आपको करना है मैप में आपको सूरत मार्क करना है यू हैव टू मार्क हेम्पी हेम्पी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कर्नाटका गॉट एट लॉट ऑफ फ्रॉम हेम्पी द रूलर विच रूलर्स अगर वे आर रूलिंग एंड वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज कॉट सो मेनी टेम्पल्स देयर इन हेम्पी कि आप जब जाते हो तो आपको लगेगा कि एक टेम्पल्स के शहर में ही आ गए हैं दैट इज देयर and uh, trade was also happening from hampi so hampi becomes very important in south india especially from karnataka places masulipatnam again situated on the bank of uh, on the seashore samudra ke paas hai to aap samajh ho how much of material is going out and coming in all this material that is going out and going out and coming in मैसूलीपट्टनम वॉज अगेन प्लेइंग अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल एज अ ट्रेडिंग सेंटर फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू इट हु लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ओके देन यू कैन सी हियर कोलकाता ये कर लिया थ्री ऑफ द मेजर इसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज हियर कमलापुरम बिदार बीजापुर गोलकोंडा मद्रास मद्रास तो भी द नेम एज चेंज चेन्नई लेकिन इन द ओलन टाइम्स इट वॉज कॉल्ड एज मद्रास न देन महाबलीपुरम थंजावुरयूर नाउ दीज वेर द स्मॉल प्लेसेस स्मॉल सिटीज इन साउथ परमानेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो ट्रेडिंग हो रही थी ट्रेडर्स वे आर हैप्पी एंड इंडिया वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मनी इन द फॉरन करेंसी मतलब फॉरेन के uh, पैसे में हमको इंडिया को बहुत सारा पैसा मिल रहा था इन द फॉरेन करेंसी इन द वे ऑफ फॉरेन करेंसी सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैपन इन इंडिया ड्यूरिंग द मिडिबल टाइम्स ओके चिल्ड्रन सो हियर आई कंप्लीट द वीडियो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग द अदर टॉपिक जस्ट सी द टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हमने ट्रेडिंग सेंटर्स कुछ मार्क किया एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हो रहा था विच प्लेसेस एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैपनिंग We will be talking about that in the next video. Till then, children, thank you so much and all the best to you.